नमस्कार, डिक्टेशन शुरू होगा 3 सेकंड बाद। मीराबाई चानू ने टोक्यो ओलंपिक में भारत के लिए नया इतिहास रच दिया। मणिपुर की एथलीट चानू ने रजत पदक जीतने के लिए कुल 202 किलोग्राम वजन उठाया, जबकि चीन की होऊ जीहुई ने कुल 210 किलोग्राम वजन उठाकर स्वर्ण जीता है। चानू ने पद जीतने की राह में स्नैच पार्ट में कुल 87 किलो वजन उठाया और क्लीन एंड जर्क में 115 किलो वजन उठाकर भारत का नाम रोशन किया है। वह ओलंपिक पद जीतने वाले कर्णम मल्लेश्वरी के बाद दूसरी भारतीय भारोत्तोलक है। सिडनी ओलंपिक 2000 में कर्णम ने कांस्य जीता था। इस पदक के लिए पूरा श्रेय चानू की अथक मेहनत को दिया जा सकता है। चानू पहले विश्व चैंपियन रह चुकी है, जब उन्होंने अनाहेम में 48 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण जीता था, लेकिन ओलंपिक पदक की तो बात ही कुछ और है। पिछले ओलंपिक में उनका प्रदर्शन निराशाजनक रहा था, लेकिन उसके बाद से उन्होंने जी जान से टोक्यो ओलंपिक के लिए खुद को तैयार किया। टोक्यो ओलंपिक की शुरुआत में ही जो भारत को खुशी मिली है, उसका कोई जोड़ नहीं है। इस बड़ी जीत ने दूसरे तमाम खिलाड़ियों को प्रेरित कर दिया है। मीराबाई चानू ने ओलंपिक में भारोत्तोलन पदक के लिए भारत के 2 दशक से अधिक लंबे इंतजार को समाप्त करके साबित कर दिया है कि भारतीय भारोत्तोलक महिलाएं किसी से कम नहीं हैं। चानू ने साफ कहा है, मैं सिर्फ मणिपुर की नहीं पूरे देश की हूँ। शनिवार को पूरे प्रदर्शन के दौरान उनकी मुस्कान सबसे चमकदार थी। वह माँ के आशीर्वाद के साथ खेल रही थी और जीतने के बाद उन्होंने कहा कि मैं माँ से मिलने को बेताब हूँ। उनका यह कहना भारत जैसे देश में बहुत मायने रखता है, जहाँ लड़कियों का खेल की दुनिया में आगे बढ़ना बहुत मुश्किल है। बहुत संघर्ष से वे अपने लिए जगह बनाती हैं। चानू भी लगभग 2 साल से अपने
परिवार से नहीं मिली थी। पदक जीतते ही उनके दिमाग में सबसे पहले घर की याद उमड़ आई। इंफाल के पास नोंगपोक काकचिंग में जिस घर में वह पली बड़ी, वह घर उन्हें पुकारने लगा। बेशक उनके मन में यह इच्छा स्वाभाविक आई होगी कि अपनी जमीन पर जल्दी से जल्दी पहुंचकर सफलता का स्वाद चखा जाए। पिछले साल लॉकडाउन की पूरी अवधि 68 दिन पटियाला के राष्ट्रीय खेल संस्थान में बिताने वाली चानू अपने कमरे तक सिमट गई थी, लेकिन उन्होंने कभी अभ्यास से मुंह नहीं चुराया। यथासंभव व्यायाम और मानसिक तैयारी से वह गुजरती रही। वह चाहती तो घर लौट सकती थी, लेकिन तब शायद पदक उनके हाथ नहीं लगता। घर की याद आती थी तो वह हर दिन अपनी माँ से वीडियो कॉल पर बात करती थी। खुद को कमजोर नहीं पड़ने दिया। आज भारत में न जाने कितनी बेटियां और माताएं भाव विभोर होंगी। चानू की जीत भारतीय महिलाओं की जीत है, जो भारतीय खिलाड़ी ओलंपिक में भाग ले रही है। निश्चित ही उनका मनोबल बढ़ा होगा। इन सभी खिलाड़ियों को चानू से सीखना चाहिए। प्रतियोगिता के दिन भी चानू इस मजबूत भावना के साथ उठी थी कि वह जीत जाएंगी, और उन्होंने कर दिखाया। उन्होंने रजत जीता है और उनका नाम भारतीय खेल पटल पर हमेशा के लिए स्वर्णिम अक्षरों में अंकित हो गया है। धन्यवाद।